मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास फिफ्थ साइंस का चैप्टर नंबर 10, पेड़ पौधों का भोजन। चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं कि पेड़ जैसे सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमें भी भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, जैसा कि सभी लोग करते हैं, और सबको कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिसका शरीर कमज़ोर होता है वो जो है अपने आप को ऊर्जावान महसूस नहीं करता है और वो कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा के लिए, शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों जैसे कि हमें ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे जीवन में पोषण के महत्व हैं, ठीक वैसे ही पेड़ पौधों की लाइफ में भी पोषण का उतना ही महत्व है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं पौधों में पोषण में सबसे आपको ये चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दो प्रकार के पोषण पौधों में होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब वो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं। सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही स्वपोषित पौधे होते हैं, क्योंकि यही अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। बाकी जो भी पौधे हैं हरे पेड़ पौधे के अलावा, वो सब जो है परपोषी पौधों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। परपोषी पौधों में चार प्रकार के पौधे होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ठीक है, तो ये चार प्रकार के पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतुओं पर या अन्य पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, ये अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, परपोषी पौधे में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सभी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। अब आते हैं हम परजीवी पौधों पर। ठीक है, परजीवी पौधे ये ऐसे हैं, इनमें पर्ण हरित नहीं होता। पर्ण हरित का मतलब इनकी पत्तियाँ जो है हरी नहीं होती हैं और जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ऐसे पौधे अपने भोजन के लिए किसी अन्य पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पौधे कौन से होते हैं? ऐसे जो पौधे जो मृत जैविक पदार्थों पर अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं। ऐसे पौधे जो है मशरूम जैसे कि है, वो जो है अपने पोषण के लिए मृत जैविक पदार्थों पर निर्भर होता है। मृत जैविक पदार्थ मतलब सड़े गले पदार्थ। ठीक है, तो इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं, ये मृतोपजीवी पौधों की कैटेगरी में आते हैं। फिर है सहजीवी पौधे। ऐसे पौधे जो जिनकी जाति प्रजाति जो है अलग अलग, दो प्रकार की जात प्रजाति के पौधे एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं और जो है इनकी सहजीविता जो है संबंध, सहजीवी संबंध इनमें बनते हैं, जिसके कारण इन दोनों ही प्रजातियों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। ऐसे पौधे किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं सहजीवी पौधों की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे। ये ऐसे कीटभक्षी, शब्द से ही पता चलता है कि कीटों का भक्षण करने वाले यानी कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पौधे जो होते हैं वो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो है ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ये मिट्टी से नाइट्रोजन का ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनको अपने पोषण के लिए कीड़े मकोड़ों पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसे पौधे जो है वो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। इनकी पूरे विश्व में लगभग 400 प्रजातियाँ हैं और केवल हमारे भारत में ही इसकी 30 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं पौधों को मांसाहारी पौधे भी कहते हैं। मांसाहारी क्यों कहते हैं? क्योंकि कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं और जीव जंतुओं को खाने वाला, चाहे वो जीव हो या पौधा, वो मांसाहारी ही कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आपके पौधों में पोषण। ठीक है, कैसे कितने प्रकार के पोषण होते हैं, कैसे कैसे पौधे होते हैं जो अपना पोषण कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में आज हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।